हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलक्यूपी स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग नए उत्साह के साथ नए टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं अभी हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कर वीडियो को भी कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों को भी कर दीजिएगा शेयर, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, तो बिना देर जुए तो हम नए टॉप 25 प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हो जाता है, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो सकता है या हो जाता है। ठीक है, तो कार्टेज में हो जाता है। ठीक है, डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो यह पक्षियों के लिए किया जाता है। ठीक है, परिवर्तित कोण का मान किसके बराबर होता है, तो परिवर्तित कोण का मान होता है 180 से बड़ा तथा किंतु 360 से छोटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बीसीजी प्रतिरक्षक होता है तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, तो यह धारा पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। ठीक है, चिड़िया की चोंच किससे बनी होती है, चिड़िया की चोंच होती है वह जबड़े से बनी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं, तो इसके किण्वन कहते हैं। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग है बुक में नोट करते समय इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, पेट्रोल की अपस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है टेट्रा इथिल सीसा का। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप नाम से नए द्वीपों का नामकरण कहां किया गया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ऐसेज आन गीता किसकी रचना है, तो अरविंद घोष की है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाइट्रोजन ही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध लोक नृत्य नित्यांगना सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, तो यह कथक से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, फ्लोएम द्वारा भोजन को स्थानांतरित होता है, तो होता है सुक्रोज के द्वारा। ठीक है, आलू है एक रूपांतरित तना, आलू एक रूपांतरित तना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन का पहला नियम की संकल्पना देता है, तो नियम का न्यूटन का जो पहला नियम है यह जड़त्व की संकल्पना देता है। ठीक है, किसकी देता है, जड़त्व की। ठीक है, जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, क्योंकि घरेलू अपशिष्ट भी इसके कारण है, औद्योगिक अपशिष्ट है और कृषि प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक भी है। ठीक है, जल प्रदूषण करते हैं। अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन क्षमताएं और वही अब रोही क्रम में किस क्रम में हो जाती हैं, तो यह ठीक सेंटेंस का ठीक डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा गामा बीटा अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर बी, गामा बीटा अल्फा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। वेदों में संपूर्णतया निहित है क्या व्याख्या की गई, या किसने व्याख्या की, तो यह है स्वामी दयानंद ने किया था। ठीक है, ल्यूमेन मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, तीर कमान का विकास किस पाषाणकालीन संस्कृत में किया गया है, तो यह मध्य पाषाण काल में। ठीक है, इसका विकास किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बर्फ के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, तो बर्फ के बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि यह उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को किस राज्य में बैसाखी कहा जाता है, या काल बैसाखी कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल में जो तूफान आते हैं ग्रीष्म काल में उसे काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है, तो पनीर बनाने के लिए रेनिन का किण्वन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। स्वर्ण पगोंडा का देश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों स्वर्ण पगोंडा का देश जो है म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों यह हमारे पास थे पूरे नए टॉप 25 क्वेश्चन, और यह इसको लेकर वीडियो को यह जीके का 8वां पार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग नए उम्मीद और नए उत्साह के साथ हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।